क्लास 7 एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हेलो चिल्ड्रंस, आज हम साइंस का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब बच्चों, पिछली क्लास में आपने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है? जैसे आपने पढ़ा था कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, राइट? और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स, राइट? तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के थ्रू अपना फूड लेते हैं, ठीक है? या तो डायरेक्टली उसको उन प्लांट्स को खाकर, राइट? या फिर उन एनिमल्स को मारकर जो कि प्लांट खाते हैं, ठीक है? वो उन एनिमल्स को खा लेते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है? अब बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सभी को जित सब भी ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम उसी के ही थ्रू अपने बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी उसको पूरा करते हैं, है ना? जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस को जरूरत है फूड की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और फंक्शनिंग के लिए बॉडी की, है ना? तो उसी तरीके से एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, ठीक है? उनका खाने का जो मोड है, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है? अब है डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब जैसे कि आपने बच्चों फूड के कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे, जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है? तो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज मच। तो हमारी जो बॉडी है वो और कई सारे जो और ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इजीली यूटिलाइज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस, इसीलिए इनको ब्रेक डाउन किया जाता है किस में? सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इन टू सिंपलर सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, ठीक है? जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करा जाता है किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसे कहा जाता है डाइजेशन, ठीक है? नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब बच्चों, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं जरूरी, अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं ना, च्यू करते हैं, चबाते हैं उसको, देन उसके बाद उसको निगलते हैं, है ना, सटकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी एनिमल्स हैं या और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी फूड को च्यू करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उनको उनका जो मोड है फूड लेने का वो डिफरेंट होता है, ठीक है? बीज एंड हमिंग बर्ड्स। अब जो बीज होती हैं और जो हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो जो प्लांट होता है उस प्लांट, जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर में से नेक्टर को वो सक करती हैं, ठीक है? तो उनका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है? सक करना, ठीक है? इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब जैसे कि इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बेबीज होते हैं, वो मदर का दूध पीते हैं, है ना, उसे सक करते हैं, ठीक है? जो
इन्फेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, मिल्क को सक करते हैं, ठीक है। और कुछ और अदर एनिमल्स भी हैं जो वो अपने मदर का जो मिल्क है उसको उसका मदर का मिल्क पीते हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्नेक्स। अब जो जैसे कि पाइथन है, यानी कि आप इसको अजगर कह सकते हो, ये एनिमल्स जो हैं वो अपने जो भी कुछ खाते हैं, ठीक है, उनको वो क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। इनका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है, स्वेलो करना, यानी निगल जाना, मतलब चबाते नहीं है उसको, डायरेक्ट निगल जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सम एक्वेटिक एनिमल्स, जितने कुछ ऐसे पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो टाइनी फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके आसपास जो फ्लोट कर रहे होते हैं समुद्र के अंदर ही, वो उन्हीं को ही फीड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग बताया गया है कुछ एनिमल्स का, जैसे स्नेल है, स्नेल ग्रास को क्या करती है, च्यू, ठीक है। एंट क्या करती है, स्क्रैप करती है। जैसे आप अपने नेल से या फिर जैसे हम किसी चीज से घिसते हैं ना, उस तरीके से वो स्क्रैप करती है इंसेक्ट को, ठीक है। फिर है ईगल। ईगल भी स्वेलो पहले कैप्चर करती है उसको जो भी फ्लैश होता है, और देन उसको स्वेलो कर लेती है, निगल जाती है। हमिंग बर्ड आपने पढ़ा, सक करती है नेक्टर ऑफ फ्लावर को। लाइस और मॉस्किटो ब्लड को सक करते हैं, राइट। फिर बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर को सक करती हैं। फिर जो हाउस फ्लाई होती है वो डीकेइंग मैटर को सिपोनिंग करती हैं, ठीक है। अब बच्चों आपकी बुक में एक अमेजिंग फैक्ट दिया गया है स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो स्टारफिश होती है वो उन एनिमल्स को खाती है जिनकी बॉडी कवर होती है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. Then उसके बाद वो उस शेल को ओपन करती है, ठीक है, और उसका जो स्टमक है स्टारफिश का वो बाहर आता है उसके माउथ से, ठीक है, उसके मुंह से वो अपना स्टमक बाहर निकालती है। एंड देन जो उसका स्टमक है वो जो एनिमल होता है उसके सॉफ्ट पार्ट को वो अंदर ले जाता है, एंड देन स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और उसका जो स्टमक होता है वो वापस उस पार्ट को जिसको खाना होता है उसको लेकर के वो वापस उसकी बॉडी में स्टमक चला जाता है, और फिर जो फूड होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट अंदर ही होता रहता है, ठीक है। अब बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेसन में आपको डाइजेशन के बारे में थोड़ा ध्यान देना है कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम जो फूड खाते हैं पहले माउथ में लेते हैं, है ना, माउथ से खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं स्टमक में, एंड देन यूटिलाइज इट, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, राइट। फिर उसके बाद है द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। और जो भी हमारी बॉडी का अनयूज्ड पार्ट होता है ना, मतलब के फूड का जो भी अनयूज्ड पार्ट होता है वो डेफिकेटेड हो जाता है, यानी के आउट हो जाता है बॉडी से, राइट। द फूड पासस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनल विच बिगिंस एट द बुकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब बच्चों हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, वो किससे खाते हैं, बुकल कैविटी यानी अपने मुंह से खाते हैं, ठीक है। और इसका जो कैनल है जो ये एंड होता है किस पे, एनस पे, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ हम अपने मुंह से खाते हैं और एंड होता है किस पे जाके, एनस पे, तो इसके बीच में आप इस फिगर में देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं हमारी बॉडी में, है ना, जैसे कि ओएसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, गैल ब्लैडर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, रेक्टम हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक। तो जब हम अपने मुंह से खाना अंदर लेकर जाते हैं तो वो इस फूड पाइप में आता है ना, फिर स्टमक में जाता है, ठीक है। इस तरीके से स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन वो लास्ट में एनस से आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस बीच में हमारी बॉडी में जो ये फूड ट्रैवल करता है वो इसमें काफी सारे कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, इन सबसे होकर वो गुजरता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैनल कैन बी डिवाइडेड, इस कैनल को, ठीक
जो ये खाने की क्रिया है पूरी, इस पूरे कैनल को वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड करा जाता है, जैसे बुकल कैविटी, ठीक है, फूड पाइप जिसे कहते हैं ओएसोफेगस, राइट, स्टमक, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एंड हो रही है किस पे, रेक्टम पे, फिर हो गया लास्ट में एनस। अब ये सारे जो पार्ट्स हैं, जितने भी फूड जहां जहां पर जाता है, ये सब एक संग मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे जितने भी ये कंपार्टमेंट्स हैं, ओएसोफेगस, स्टमक, पेनक्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, अब यहाँ पर जब जैसे जैसे फूड जाता रहता है वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता जाता है, ठीक है। अब बच्चों इस फिगर में आप देखो जो स्टमक की इनर वॉल्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और जितने भी वेरियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि एसोसिएट होती हैं हमारे लीवर से, पैनक्रियाज से, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ये सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वंस में, ठीक है, जिससे कि हमारा जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि ये पूरी जो एलिमेंट्री कैनल है, आपने पढ़ा एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि ये जितना भी बुकल कैविटी से लेकर के जितना भी स्टमक, पैनक्रिया, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, गैल ब्लैडर, स्टमक, ओएसोफोगस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। तो ये और जितनी मतलब उनसे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस बनाती हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ द माउथ एंड बुकल कैविटी। अब बच्चों आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा ह्यूमन बॉडी का, है ना, तो अब आपने उसमें क्या देखा कि जो फूड है और माउथ से फूड जाता है एंड देन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाता है, तो अब उन कंपार्टमेंट्स को, जितने भी पार्ट्स में हमारा फूड ट्रैवल करता है, उन पार्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, माउथ में, है ना, बुकल कैविटी, तो हम सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे। तो फूड इज टेकन इन टू बॉडी थ्रू द माउथ, हमारी बॉडी में फूड कैसे जाता है, थ्रू द माउथ, सबसे पहले माउथ में जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंजेशन, हमारे माउथ में फूड का जाना क्या कहलाता है, इंजेशन। हम फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में, राइट, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब जितने भी टीथ होते हैं वो मसूड़ों में लगे हुए होते हैं अलग अलग सॉकेट्स में, राइट, आवर टीथ वेरी इन अपियरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब बच्चों यहाँ पे इस फिगर में देखो अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब इसमें जो हमारे टीथ होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनके जो फंक्शंस होते हैं मतलब जो वो काम करते हैं वो भी अलग अलग करते हैं, इसी वजह से उनका जो नाम है वो भी अलग अलग है। जैसे आप सबसे पहला देखो मोलर, जो हमारे लास्ट के थ्री टीथ होते हैं, तीन दांत होते हैं लास्ट के दोनों साइड पे, वो कहलाए जाते हैं मोलर, ठीक है। फिर आता है सेकंड प्री मोलर, उसके आगे के जो दांत होते हैं ये वाले दोनों साइड पर, वो क्या कहलाए जाते हैं, प्री मोलर, ठीक है। फिर होते हैं कैनाइन, ये दोनों तरफ एक एक होते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ आता है, हमारे फ्रंट के जो फोर टीथ होते हैं, चार दांत जो हमारे फ्रंट के होते हैं वो होते हैं इंसीजर, ठीक है, ये सब अलग अलग फंक्शन करते हैं इसलिए इनके अलग अलग नाम है, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि हमने टीथ के बारे में पढ़ा, तो आपने ये भी पता होगा आपको कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आपको शायद याद होगा कि जब आप कुछ छोटे थे तो आपके दांत टूटे होंगे, है ना, तो जो हमारे टीथ का जो फर्स्ट सेट होता है वो इन्फेंसी में आता है ना, जब हम बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं धीरे धीरे, एंड देन वो हम जब कुछ 6 या फिर 8 साल के होते हैं तो वो टूट जाते हैं, राइट, जिन्हें क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ,
यानी दूध के दांत टूटना, समथिंग लाइक दैट, राइट। फिर उसके बाद हमारी सेकंड सेट आता है, ठीक है, रिप्लेस होते हैं वो मिल्क टीथ, किसमें रिप्लेस होते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं फिर हमारे, राइट। और फिर वो परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, वो पूरा थ्रू आउट हमारी लाइफ के संग रहते हैं, एंड देन वो एक या तो ओल्ड एज की वजह से टूट जाते हैं जो हमारे दांत होते हैं, है ना, या फिर अगर कोई डेंटल डिजीज है, मतलब दांत में कीड़ा लग गया या फिर दांत खराब हो गए, तो वो टूट भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छे हैं, मतलब क्लीन रखते हो, सही है बिल्कुल, तो वो थ्रू आउट हमारी लाइफ रहते हैं, ठीक है। नाउ अब बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सेक्रेट करती हैं, जूसेस, राइट। तो यहाँ पर ही हमें बताया गया है कि जो माउथ होता है हमारा, उसमें हमारे माउथ में ही एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो सेक्रेट करती है क्या, सलाइवा, ठीक है, जिसे आप लार भी कह सकते हो। जैसे कि बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, अब पिज्जा हो गया या चिली पटेटो हो गया, चाउमीन हो गया, उसे देखकर आपके मुंह में कभी कभी पानी आ जाता है ना, तो जनरली उसे क्या कहा जाता है, वो सलाइवा ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सेक्रेट करती है सलाइवा को। इसके लिए आप एक को आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी, ठीक है। एक ए टेस्ट ट्यूब में आपको डालने हैं बॉइल्ड राइस, यानी कि उबले हुए चावल, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप डालो उबले हुए और साथ ही साथ चबाए हुए, आपके मुंह से आप वो उसमें डालोगे, ठीक है। उसमें आप थोड़ा पानी डालोगे एंड देन आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, एंड देन आप चेक करोगे कुछ टाइम बाद कि जो जिसमें बॉइल्ड राइस थे, ठीक है, जिसमें आपने जो टेस्ट ट्यूब ए में उबले हुए चावल डाले थे, उसका जो कलर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में। प्लीज आप बच्चों, आपकी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट यानी या फिर स्टार्च कह सकते हो, उसका जो टेस्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट करते हैं, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है एंड देन उसको चेक करा जाता है कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में, इट मीन्स कि उसमें स्टार्च है, ठीक है। तो आप जब ये टेस्ट करोगे तो जिसमें आपने बॉइल्ड राइस डाले होंगे उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्लू ब्लैक में, लेकिन जिसमें आपने बॉइल्ड राइस घेरे होंगे उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको अपने माउथ से क्या करा है, च्यू करा है, ठीक है, माउथ से आपने च्यू करा, जिससे क्या हुआ, अब हमारे माउथ में क्या है, सलाइवा है ना, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, शुगर में, तो इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फूड होता है वो हम उसका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है, या वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हमारी बॉडी इजीली यूटिलाइज नहीं कर सकती, इसीलिए हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सेक्रेट करती है सलाइवा, और वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है शुगर्स में, ठीक है। स्वीट्स एंड टूथ डीके, टूथ डीके किसे कहा जाता है, दांतों का टूटना, है ना। नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, हमें हार्म नहीं करता है, हाउएवर इफ यू डू नॉट क्लीन, लेकिन अगर हम अपने जो टीथ हैं वो क्लीन नहीं करेंगे और खाना खाने के बाद उसे वॉश नहीं करेंगे, तो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो अपना घर बना लेंगे, है ना, हमारे मुंह में, और वो क्या करेंगे, बढ़ने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे, दीज बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो ब्रेक डाउन करता है शुगर को प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स, मतलब हमारे खाना, हम जैसे खाना खाते हैं, हमारे मुंह में कहीं ना कहीं जो फूड लगा रह जाता है, जो माउथ में रह जाता है, वो उससे क्या होता है, एसिड रिलीज करते हैं वो, ठीक है, जो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और वही एसिड हमारे टीथ को डैमेज करते हैं धीरे धीरे, जिसको कहा जाता है टूथ डीके, ठीक
ठीक है। और हमारे दांतों को खराब करने वाले मेजर कल्प्रिट्स कौन होते हैं? जैसे कि स्वीट्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमारी टंग के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी जो हमारी जीभ होती है। अब जो हमारी टंग होती है वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गेन होती है, जो कि हमारे माउथ में बैक से क्या होती है, जो बुकल कैविटी होती है उसके बैक से अटैच होती है और फ्रंट से वो फ्री होती है ना। हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं और उसको मूव भी कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि हमारी जो टंग होती है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या वर्क करती है, क्या काम करती है वो, ठीक है। एक तो जब हम बात करते हैं, हम किसी से टॉक करते हैं, है ना, तो हम अपनी टंग का यूज करते हैं, एक तो ये उसका काम होता है। लेकिन इसके अलावा बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। अब जो टंग होती है वो सलाइवा को मिक्स करती है किसके संग, हमारे फूड के संग जो हम चबाते हैं, च्यू करते हैं, और हेल्प करती है उसको अंदर स्वेलो करने के लिए, ठीक है, निगल जाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरा वो क्या करती है, हमारे जो टेस्ट होते हैं जैसे कि खट्टा, मीठा, कड़वा, उसको टेस्ट को डिटेक्ट करती है ना, हमें बताती है कि हमें कड़वा लग रहा है या मीठा लग रहा है। तो ये किस वजह से, क्योंकि हमारे जो टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है डिफरेंट टेस्ट के बारे में, ठीक है। आपकी बुक में इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है और इसमें आपको कहा गया कि आपको सेपरेट सैंपल्स बनाने हैं, एक तो शुगर सॉल्यूशन के, कॉमन सॉल्ट के, लेमन जूस के और क्रश्ड नीम के या फिर बिटर गार्ड के, ठीक है। एंड देन आपको अपने उन सैंपल्स के कुछ ड्रॉप्स डाल के आपको अपने टंग पे फाइंड करना है कि आपको किस पोर्शन में, अपनी टंग के किस पोर्शन में आपको खट्टा लगता है, मीठा लगता है या कड़वा लगता है, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, सबसे पहले रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। अब कहाँ कहाँ पर हमें अपनी टंग के बिटर, सोर, सॉल्टी, स्वीट जैसे टेस्ट लगते हैं। जो टंग का सबसे पीछे का पोर्शन होता है, ये ब्लू पार्ट जो होता है, इसमें हमें लगता है बिटर, यहाँ से हमें पता चलता है कड़वे टेस्ट का, ठीक है। जो ये येलो पोर्शन है इससे हमें पता लगता है सोर, यानी कि खट्टी चीजों का। फिर जो ये ग्रीन पोर्शन है टंग का, इससे हमें पता चलता है सॉल्टी, यानी नमकीन का। फिर जो फ्रंट पार्ट होता है, जो ये रेड वाला पोर्शन है, इससे हमें मीठे का पता चलता है, ठीक है। इस फिगर में भी आप देख सकते हो, जैसे ये उमामी है, जैसे कि टमाटर होता है, टमाटर का जो टेस्ट होता है वो हमें इस पोर्शन में पता चलता है, ठीक है। जो सोर होता है, जैसे जो खट्टा होता है, ये हमें पूरा इस पोर्शन में पता चलता है। एंड देन जो स्वीट होता है, मीठा होता है, वो हमें बिल्कुल जो आगे का पोर्शन होता है इसमें पता चलता है। बिटर कड़वे का हमें बिल्कुल पीछे का पोर्शन होता है, ठीक है। और जो नमकीन होता है वो ये सॉल्टी, यहाँ से हमें सॉल्टी का, सॉल्टी टेस्ट का पता चलता है, ठीक है बच्चों। ओके, सो अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट आता है, द फूड पाइप या फिर ओसोफेगस, ठीक है। अब बच्चों जब हम अपने माउथ से, बुकल कैविटी से फूड को अंदर लेते हैं, देन उसको स्वेलो करते हैं, स्वेलो करने के बाद हमारा जो फूड होता है वो कहाँ आता है, ओएसोफेगस में, यानी के फूड पाइप में, ठीक है। अब स्वेलो फूड पासेस इनटू फूड पाइप, फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप रन अलोंग विद नेक एंड चेस्ट। जो फूड पाइप होती है वो किसके संग रन करती है, नेक के संग और चेस्ट के संग। जो फूड होता है वो पुश करता है, जो फूड होता है वो पुश होता है, मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, मतलब फूड पाइप में जो हमारा फूड होता है वो नीचे की तरफ आता रहता है, ठीक है, पुश होता रहता है। एंड देन वो किस में जाता है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल, पुशेस द फूड डाउन। वो मतलब जो फूड पाइप होती है वो हमारे खाने को नीचे की तरफ धकेलती रहती है, ठीक है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। अब जब बच्चों जो फूड हमारा स्टमक अलाउ नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। आपको भी कई बार हुई होगी, आपको इस चीज ध्यान होगी, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक जिस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता वो वॉमिट हो जाता है, वॉमिट आउट हो जाता है, मुंह से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब आपकी बुक में बच्चों एक
पोर्शन दिया गया है ब्लू बॉक्स में, जिसे जिसमें आपको बताया गया है हिकअप्स के बारे में, यानी हिचकी। ठीक है, अब आपको वो कब आती है? देखो, समटाइम्स व्हेन यू ईटिंग है, जब आप जल्दी में खाना खाते हो, जल्दी जल्दी, या फिर आप बात करते हो या हंस पड़ते हो खाना खाते वक्त, तो आपको कभी कभी खांसी आ जाती है या हिचकी आ जाती है, या फिर आप चोक जैसा फील करते हो, है ना, मतलब कि घुटन सी आपको लगने लग जाती है। ये कब होता है कि जब जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। अब आप इसमें देखो, ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है रेड रेड में, ये होता है विंड पाइप, जहाँ से सांस अंदर जाती है। ठीक है, और ये जो पोर्शन दिखाया गया है ये क्या है? फूड पाइप, जहाँ से खाना अंदर जाता है। अब ये दोनों जो विंड पाइप और फूड पाइप है, ये दोनों एक संग ही होते हैं, मतलब आमने सामने ही एक जिस एक उस पर ही होते हैं। तो क्या होता है कि विंड पाइप कैरी एयर, जो विंड पाइप होती है ऑब्वियसली बात है वो एयर लेते हैं हम अंदर, है ना, अपनी नाक से। ठीक है, जो कि लंग्स तक दी जाती है। इट रन एडजेसेंट फूड पाइप, और उसके एडजेसेंट में ही फूड पाइप होती है, बट इनसाइड द थ्रॉट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन अंदर जाने के लिए जो थ्रॉट में जो फूड होता है और जो एयर होती है वो एक ही रास्ता तय करती है, मतलब एक ही वे होता है उनका, एक ही पाथ होता है। देन हाउ इज फूड, अब किस तरीके से हम विंड पाइप में फूड को ले जाने से रोक सकते हैं? अब एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है, मतलब एक ढक्कन जैसा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उस पे कवर हो जाता है। ठीक है, जिससे कि जो विंड पाइप है जो कवर हो जाता है, उसमें खाना नहीं जाता, और जो फूड पाइप होता है उसमें फूड को भेज दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का एक फंक्शन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटा मोटा टुकड़ा होता है, वो विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें चोक फील होता है, हिकअप्स होती है और खांसी आती है ना, हिचकी आने लग जाती है। तो यही रीजन है हिकअप्स का, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चोक भी फील होता है और खांसी भी आ जाती है। तो इसीलिए हमें खाना खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, और थोड़ा हमें स्लोली खाना चाहिए। ठीक है, अब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड कंपार्टमेंट आता है स्टमक। ठीक है, अब जो फूड है पहले माउथ में जाता है, यानी बुकल कैविटी, देन उसके बाद फूड पाइप में, देन थर्ड वो आता है थर्ड कंपार्टमेंट स्टमक में। ठीक है, स्टमक जो होता है वो थिक वॉल्ड बैग जैसा होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटन जे, मतलब चपटे चपटा जे की तरह से होता है। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जो स्टमक होता है, आपको ये याद रखना है कि हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट, यानी कि चौड़ा पार्ट सबसे होता है स्टमक। ठीक है, जो फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से। ठीक है, ये फूड पाइप हो गया, यहाँ से फूड को रिसीव करता है, एंड देन इसका एक जो पोर्शन है वो फूड पाइप से जुड़ा होता है स्टमक का, और दूसरा एंड होता है किस पे जाके, दूसरे एंड होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मतलब स्टमक से जो फूड है वो फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग है। ठीक है, जो क्या करती है, सेक्रेट करती है मकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस को, राइट। अब जो फर्स्ट वन है, मकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किल करता है बैक्टीरिया को, जो हमारे खाने के संग हमारे स्टमक में चले जाते हैं। ठीक है, हमारे फूड जो हम खाते हैं, हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो उन बैक्टीरियाज को किल करता है, और हमारे स्टमक का जो मीडियम होता है उसमें एसिडिक बनाए रखता है, उसको स्टमक को एसिडिक बनाए रखता है, जिससे कि हेल्प होती है डाइजेस्टिव जूसेस में, मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एक्ट करने में उनको हेल्प करता है। ठीक है, अब जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो हमारा स्टमक है वो कौन कौन से कौन कौन से सेक्रेट्स करता है जूसेस को। ठीक है, और जो जूसेस सेक्रेट करते हैं जैसे मकस, हाइड्रोक्लोरिक और डाइजेस्टिव जूसेस, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, और डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इजीली
डाइजेस्ट हो सके हमारी बॉडी में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ कंपार्टमेंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, मतलब कॉइल्ड यानी कि वो कुछ इस तरीके से होती है ना, इज अबाउट 7.5 मीटर। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7.5 मीटर। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रिया। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सेक्रेशन रिसीव करती है यानी कि जूसेस को रिसीव करती है लीवर से और पैनक्रिया से। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट जूसेस। इसके अलावा वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो खुद भी जूसेस को सेक्रेट करती हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पैनक्रिया से किस तरीके का सेक्रेशन लेती हैं, किस तरीके जूसेस लेती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है लीवर। ठीक है, अब लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो इस पिक्चर में, जो कि सिचुएटेड होती है अपर पार्ट में। ठीक है, हमारे राइट साइड में रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है जिसे कहा जाता है लीवर। ठीक है, ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये आपको याद रखना है। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, जो सेक्रेट करती है बाइल जूस। ठीक है, जो क्या सेक्रेट करती है, बाइल जूस सेक्रेट करती है, और वो उस बाइल जूस को रखती है कहाँ पर, सैक में, जिसे कहा जाता है गैल ब्लैडर। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये लीवर है। ठीक है, ये सेक्रेट करती है क्या, बाइल जूस, जो यहाँ पे स्टोर करके रखती है बाइल जूस को किस में, गैल ब्लैडर में। ठीक है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब जो बाइल जूस है वो किस में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या है, ये एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब आप इस यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये है पैनक्रियाज, जो बिल्कुल स्टमक के नीचे होती है। ठीक है, जस्ट उसके नीचे। अब जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट सेक्रेट करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे नीचे के पोर्शन में ये जो पूरा डाइजेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में एज ग्लूकोज, और फैट को करता है फैटी एसिड या ग्लिसरोल में, प्रोटीन को किस में करता है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से, तो उस फूड को, अब उस फूड को कहाँ पास करा जाता है, ब्लड वेसल में। ठीक है, हमारे जो ब्लड वेसल है उनमें पास करा जाता है डाइजेस्टेड फूड, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है अब्सॉर्प्शन। ठीक है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब हमारी ये जो इस पिक्चर में आप देखो, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हम इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके की फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी फिंगर्स जैसी होती है बहुत सारी, जिन्हें क्या कहा जाता है, विली। ठीक है, अब यही विली इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को डाइजेस्टिव फूड को अब्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए उस विली जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। अब जो जितनी भी ये विलीज होती हैं, ठीक है, ये जो विलस हैं, ये इनका जो नेटवर्क होता है वो होता है ब्लड वेसल से। ठीक है, जो कि सरफेस ऑफ द विली अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो विली, जहां पर विली होती है उसका जो ये जो सरफेस होता है उसको
वो डाइजेस्टेड फूड को मटेरियल करने के लिए, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए होता है, ठीक है। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट, अब जो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको जो स्टमक में उसका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में वो उनको अब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, और उसको फिर ले जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी में जितने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें पहुंचाया जाता है और फिर उनको यूज किया जाता है बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, ठीक है। और इसी को कहा जाता है, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब करना, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद हेल्प ऑफ, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। नाउ द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अब बच्चों जो खाना अनडाइजेस्टेड होता है ना, जो अनअब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एंटर हो जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब ये क्या है हमारी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। अब इसमें से जो ये जो है खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब अब्जॉर्ब कर लेते हैं विली, है ना, तो इसमें से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो चला जाता है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले बच्चों आपको एक स्टोरी दी गई है वो हम पढ़ेंगे पहले। वर्किंग ऑफ द स्टमक इज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। यहाँ पे 1822 में एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक आदमी था जो बुरी तरीके से घायल हो गया था, उसको गोली लगी थी, ठीक है। वो डैमेज हो गया था उसकी चेस्ट वॉल पर एंड मेड अ होल, उसके मतलब यहाँ पर एक होल हो गया था स्टमक में, ठीक है। तो ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट, जिसने उसका इलाज करा था वो थे विलियम ब्यूमोंट डॉक्टर से। लेकिन उसने आदमी को तो बचा लिया था बट कुड नॉट क्लोज, लेकिन वो जो होल था जो छेद हो गया था उसके स्टमक में वो उसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाए थे, ठीक है, बैंडेज कर दी थी बट पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने क्या देखा, ट्रीटमेंट करते वक्त उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली उनके स्टमक में देखने के लिए, स्टमक में जो होल हुआ था उसके अंदर उनको दिखाई दे रहा था कि जो ब्यूमन था उन्होंने देखा कि स्टमक जो था वो चर्न कर रहा था फूड को, मतलब चर्न यानी फूड को वो कर रहा था डाइजेस्ट, है ना। इट्स वॉल सेक्रेटेड अ फ्लूड, उसकी जो वॉल्स थी वो फूड फ्लूड सेक्रेट कर रही थी को डाइजेस्ट यानी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो एंड होता है स्टमक का वो तभी ओपन, अब जो स्टमक का हमने पढ़ा था जो एक एंड एक जो स्टार्टिंग होती है वो जुड़ा होता है किससे, फूड पाइप से, और फूड फिर डाइजेस्ट होता है स्टमक में, एंड देन वो जो उसका सेकेंड एंड होता है वो कहाँ पर किससे ज्वाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड को लेती है वो तभी लेती है जब जो डाइजेशन है उसका स्टमक में हुआ हुआ होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है तभी लेती है वो फूड को, ठीक है। तो उन्होंने ये उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली उसके स्टमक में से ये देखने के लिए, ठीक है। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वाइडर होती है और शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और ये इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। जो ये बाहर वाली होती है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। इट्स फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर। अब इस जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करती है, वो अब्सॉर्ब करती है वाटर को और सम सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट को और वाटर को अब्सॉर्ब करती है अनडाइजेस्टेड फूड में से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड पास करती है अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से वो सॉल्ट और वाटर को अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। अब जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो किस में जाता है, रेक्टम में, ठीक है। एंड रिमेन्स देयर अ सेमी सॉलिड फेसेस। द फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। अब जो भी फेकल मैटर होते हैं जो भी, वो रिमूव हो जाते हैं किसमें, एनस में।
और वो एनस से क्या होते रहते हैं, टाइम टू टाइम आउट होते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है, इंजेशन। ठीक है, नाउ स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। अब हमने पूरा ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा कि जब फूड अंदर मुंह में लेते हैं, है ना, बुकल कैविटी से पहले किस में जाता है, माउथ में, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, इंजेशन। फिर उसके बाद वो आता है ओएसोफोगस में, यानी कि फूड पाइप में, है ना, फूड पाइप में आता है। फूड पाइप से वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में, स्टमक में उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। फिर वो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है उसका, है ना, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसका अब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन यानी के जो विलीज होती हैं वो ब्लड वेजल्स तक लेकर के जाती हैं डाइजेस्टेड फूड को, है ना, पास आउट करती हैं उन्हें, और डिफरेंट हमारे बॉडी के जो ऑर्गेन है उन तक ले जाया जाता है, जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है। एंड देन रेक्टम में आकर वो फिर यहाँ पर आता है, रिमूव करा जाता है एनस के थ्रू, जिसे कहा जाता है इजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो बच्चों ह्यूमन डाइजेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास खाते हैं। अब आपने बच्चों देखा होगा कि जैसे काउ हो गई, बफेलोज हो गई, और जो दूसरे एनिमल्स हैं जो कि ग्रास खाते हैं यानी घास खाते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली अपना मुंह चलाते रहते हैं, है ना, जबकि वो अगर कुछ ना भी खा रहे हों वो तब भी अपना मुंह चलाते रहते हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। अब बच्चों जैसे ये इमेज में देखो, ये कौन है, काऊ, है ना, इसमें ये क्या करते हैं, घास खाते हैं, घास खा के उसको चबाते नहीं है, उसको सीधा निगल जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, फूड पाइप से वो जाता है कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, रूमन में, जिसे कहा जाता है। ठीक है, फिर वो वहां पर धीरे धीरे उसको छोटे फूड को अपने, मतलब पार्शियली डाइजेस्ट कर, मतलब छोटे छोटे उसमें डाइजेस्ट वो कर लेते हैं टुकड़ों में, जिसे कहा जाता है कर्ड। फिर बाद में क्या होता है, वही कर्ड रिटर्न होता है उनके माउथ में, मतलब जो उसको अंदर, जब उसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है वो फूड, जो घास होती है, तो वो वापस से उनके कहाँ पर आता है, मुंह में आता है, इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल स्ट्यूड। और इसीलिए जब वो उनके मुंह में आता है तो वो धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन, और इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब वो वापस उनके मुंह में आता है और वो उसको चबाते हैं एनिमल इस तरह के, ठीक है, जो चबाना है उनका, उस कर्ड का वापस आना उनके मुंह में और उसको चबाना, वो हो गया रूमिनेशन, और इस तरह के एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट्स। अब जो ग्रास होती है, ग्रास में बच्चों सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर और हॉर्स भी, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, ठीक है, इनके रूमेन में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। अब कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, कई सारे एनिमल्स हो गए जो कि सेलुलोज को इजीली कैन नॉट डाइजेस्ट, सेलुलोज मतलब कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कुछ ही ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ओके, सो बच्चों जैसे कि आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके माउथ के और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा कि किस तरीके से वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर वो किस तरीके से अपने फूड को एक्वायर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, हम अब वो पढ़ेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, तो अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ बच्चों अब यहाँ पे हमें दिया गया है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना च्यू करते हैं ना स्वेलो करते हैं, ठीक
ठीक है, जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, अब अमीबा क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि जनरली कहाँ पे मिलता है? पोंड वाटर में। ठीक है, अमीबा के इसमें आप देख, ये फिगर में आप देख सकते हो, इसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और फिर न्यूक्लियस के बाद इसमें आता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अमीबा जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर, जैसे अभी इस पोजीशन में है, जरूरी नहीं है ये कुछ टाइम बाद ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये अपनी पोजीशन क्यों चेंज करता है? क्योंकि ये अपने जो फूड है उसको कैप्चर करने के लिए अपनी बॉडी में मूवमेंट करता है। ठीक है, जैसे कि अब इसके जो ये चीज है, ये फिंगर्स की तरह है ना, ये जो है, तो इनको ये ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। ठीक है, और ये किस लिए करता है? अपने फूड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो अमीबा होता है वो किस पर फीड करता है, किसको खाता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, जब उसे अपने आसपास किसी फूड का पता चलता है तो वो अपनी बॉडी को पुश करता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, वो जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, उसे इस फूड का पता चला। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ? उसने अपनी बॉडी को उसके चारों तरफ क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया उसको, है ना। फिर उसके बाद फूड बिकम ट्रैप्ड इन वैक्यूल, जो वैक्यूल होता है उसमें वो फूड को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सेक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल में, है ना। फिर उसके बाद वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है फूड का सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, फिर जो फूड है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है? ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता रहता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस आर यूज, फिर जो डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्ट करा हुआ फूड होता है, जो एब्जॉर्ब करा होता है उन्होंने सब्सटेंसेस उसमें से, फूड में से, वो अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको यूज करता है। ठीक है, फिर जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, वो उसको अपनी बॉडी में से आउट कर देता है बाय द वैक्यूल। ठीक है, किसके हेल्प से? वैक्यूल के हेल्प से अपनी बॉडी से उसको आउट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमीबा। ठीक है, जो जिस जिसका माउथ नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से, आपने ये वो पढ़ा। ठीक है, ओके। तो बच्चों, आपकी बुक में लास्ट में कॉलम दिया गया है डायरिया का। अब डायरिया किसे कहते हैं? लूज मोशन को, है ना। अब लूज मोशन जैसे कि जब आपको बार बार जाना पड़ता है ना हेड ऑफिस, तो इस वजह से, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायरिया। और ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। और ये इंडिया में जनरली बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस में होता है। ठीक है, क्योंकि वो मतलब कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं या फिर अनडाइजेस्टेड, मतलब उनका जो खाना है वो पचता नहीं है अच्छे से, तो इस वजह से उनको जाता है। इसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए एक तो। ठीक है, और जब तक आप किसी को, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, इसलिए आप पानी को उबाल के उसे ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक और चीनी मिला करके उसे दे सकते हो, ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। और इसी को हम क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ORS। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका ये लेसन खत्म होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।